अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रपोजिशन। बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। टुडे वी विल स्टडी व्हाट इज प्रपोजिशन एंड डेफिनेशन ऑफ एन प्रपोजिशन। नाउ स्टार्ट्स एंड रीड व्हाट इज प्रपोजिशन। डेफिनेशन ऑफ अ प्रपोजिशन, हियर इज राइट प्रपोजिशन। द नेक्स्ट लाइन पे आप लोग लिखें डेफिनेशन। Prepositions are the words which show position of things. For example, in, on, under, beside, etc. Prepositions are the words, यानी वो अल्फाज हैं जो चीज़ों की पोजिशन को, हालत को बताते हैं कि चीज़ें कहाँ पड़ रहे हैं। ठीक है, चीज़ें ऊपर हैं, नीचे हैं, कहाँ पड़ी हैं, उसकी जो हालत को बताती हैं, उसकी पोजिशन को बताती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। A book is on the टेबल, ऑन द टेबल। इसमें ऑन क्या है? प्रपोजिशन वर्ड है, तो इसको ये आपको नज़र आ रही है कि बुक, ये बुक है, बुक इज़ ऑन द टेबल। नेक्स्ट है अ बॉल इज़ अंडर द टेबल। बॉल कहाँ है? टेबल के नीचे है, यहाँ आपको ये नीचे नज़र आ रही है। अंडर क्या है इसमें? प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन वर्ड है। ठीक है, अंडर। नेक्स्ट है रैबिट इज़ इन द पॉट। रैबिट आपको यहाँ पे पॉट के अंदर नज़र आ रहा है, इन द पॉट, पॉट में है। नेक्स्ट है रैबिट इज़ बिहाइंड द ट्री। यहाँ पे देखिए आपको ट्री नज़र आ रहा है और उसके पीछे आपको नज़र आ रहा है। पीछे का मतलब क्या होता है? बिहाइंड, पीछे की तरफ। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई चीज़ ऊपर है हम लोग क्या कहेंगे? अप, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ है तो क्या उसके लिए? डाउन भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इसी तरह से एग्जाम्पल है, वॉल के ऊपर अगर कैच बैठी हुई क्या कहेंगे? द कैच इज़ ऑन द वॉल, कि वॉल के ऊपर है, दीवार के ऊपर है। इन चीज़ों को, इन डेफिनेशंस को आप लोगों ने लर्न भी करना है और साथ इनकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, ओरल प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और रिटन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। नेक्स्ट वी विल डू द एसे। राइट एन एसे ऑन माय मदर। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं इस एसे के ऊपर। माई मदर, माई मदर नेम इज़, आप लोग यहाँ पर अपनी मदर का नाम लिखें, मैंने इस जगह को ब्लैंक छोड़। माई मदर नेम इज़, आप लोग यहाँ पर अपनी मदर का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है शी इज़ डैश ईयर्स ओल्ड, कि वो कितने साल की हैं, यहाँ पे आप उनकी एज लिखेंगे। ठीक है, 30 ईयर्स हैं, 32 है, 40, जो भी आपकी मदर की एज है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे। और इसमें आप लोग स्पेलिंग वाइज लिखेंगे, अब 30 है तो टी एच आई आर टी वाई, 30 ईयर्स ओल्ड। ओके, इस तरह से लिखेंगे। ओके, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख, यहाँ पर हर स्टूडेंट ने अपनी मदर की एज लिखनी है। नेक्स्ट है माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, कि वो घर में काम करती हैं। शी कुक्स फूड फॉर अस, वो हमारे लिए खाना बनाती हैं। नंबर फाइव है शी कीप्स ऑल द हाउस क्लीन, कि सारे घर को साफ रखती हैं। नंबर सिक्स है शी हैज़ अ गुड पर्सनैलिटी, कि बहुत ही अच्छी शख्सियत है उनकी। नेक्स्ट शी ऑफर्स हर प्रेयर्स रेगुलरली, कि वो पाँच वक्त की नमाजें भी बाकायदगी से, पाबंदी से पढ़ती हैं। आई लव माई मदर, में मुझे अपनी अम्मी से बहुत प्यार है। ये एज सेंटेंसेस हैं, इसको अपने अपनी कॉपीज़ पे बहुत ही नीचली काम भी करना है और याद भी साथ साथ करना है। नो वी विल डू सिंगुलर प्लूरल। हियर सिंगुलर, एस आई एन जी यू एल ए आर, सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट वर्ड है चेयर, चेयर, चेयर्स। क्लॉक, क्लॉक्स, इसमें हम लोग सिंगल एस लगाएंगे। कार, कार्स। पेंसिल, पेंसिल्स। एप्पल, एप्पल्स, ए डबल पी एल ई, एप्पल। और इसके साथ हम लोग एस लगाएंगे तो ये क्या है? प्लूरल बन जाएंगे। ये वो वर्ड हैं, ये इनके साथ सिंपल एस लगाने से ये प्लूरल बन जाते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे हैं लेटर्स, एस सी एच, एस एच ओ आर, ओ एक्स और एक्स, एड्स, एड ई एस। ये वो वर्ड, यानी ये बताया जा रहा है कि वो वर्ड्स जो इन पे एंड होते हैं उसके साथ ई एस को हम लोग ऐड करते हैं। अब ये बस है, बी यू एस, बस, जो भी वर्ड एस पे एंड होगा उसके अगले हम लोग ई एस ऐड कर देंगे तो बसेस हो जाएगा। बी यू एस, बस, अगर ई एस ऐड करने से बसेस बन जाएगा। पैच, पी ए टी सी एच, पैच, पैचेस, डिश, डिशेस। ठीक है, अब एस एच पे एंड हो रहा है, हमने साथ उसके ई एस लगाया। नेक्स्ट है बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स, एक्स पे एंड है,
साथ हमने इसके ई एक्स लगा ई एस लगाया, ये प्लूरल बन गया, ठीक है। यानी ये वाली इसकी एग्जांपल है कि ऐसे वो वाले वर्ड्स जिनके साथ जो इन पे इन वर्ड्स इन लेटर्स पे एंड होते हैं उसके साथ हम लोग ई एस का को ऐड करने से वो प्लूरल बन जाते हैं। ये ऊपर आप लोगों ने पढ़ा तो इनमें सिर्फ एस था, एस को ऐड किया तो वो प्लूरल बन गए। इन वाले लेटर्स के साथ इन पे जहाँ पे एंड हो रहे हैं वर्ड्स उसके साथ ई एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू जेंडर्स। जेंडर्स आर मैस्कुलिन फेमिनिन। मैस्कुलिन एम ए एस सी यू एल आई एन ई, मैस्कुलिन फेमिनिन एफ ई एम आई एन आई एन ई फेमिनिन। इसको उर्दू में हम लोग मुज़क्कर और मुअन्नस भी कहते हैं। अब यहाँ पे ग्रैंड फादर जी आर ए एन डी ग्रैंड फादर एफ एच ई एच ई आर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर जी आर ए एन डी ग्रैंड एम ओ टी एच ई आर मदर ग्रैंड मदर। दादा दादी या नाना नानी इसके लिए यूज़ होते हैं। सर एस आई आर सर मैम एम ए एम एम ए पोस्टोफी ए आई ए एम मैम। ही शी लड़का, ये ही लड़का के लिए बॉय के लिए यूज़ होता है और शी गर्ल के लिए यूज़ होता है। ही गोट शी गोट, ही गोट बकरा शी गोट बकरी। किंग क्वीन बादशाह और मलका। हॉर्स मेयर एम ए आर ई मेयर। बुल यानी हॉर्स मेयर हॉर्स घोड़ा और मेयर घोड़ी। बुल काउ बैल और गाय। फॉक्स विक्सन ये लूमड़ी लूमर यानी लूमड़ी है और ये मादा लूमड़ी यानी जो बच्चे देती है, ठीक है। ये उसका मुज़क्कर है और ये उसकी मुअन्नस है। बॉय बी ओ वाई बॉय गर्ल जी आई आर एल गर्ल। यानी ये फॉक्स जो है ये मुज़क्कर है मैस्कुलाइन है और ये विक्सन जो है उसका फेमिनाइन है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स वी हैव टू कम्प्लीट टूडे आवर ऑल ग्रामर वर्क एंड you should do all this work on your notebooks and also learn it. okay take care and Allah Hafiz.